सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। यदि किसी व्यक्ति ने इस अवधारणा को सार्वजनिक जीवन में लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपनाया है तो वो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके मुख्यमंत्रित्व काल तथा बीते 7 साल में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार तथा सुधार के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत ने गरीब के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर की है। इसी प्रकार रोगों की रोकथाम के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश भर में उभर रहे हैं, जिसके माध्यम से रोगों की रोकथाम पर जोर दिया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में रिफॉर्म से चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में व्यापक सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री की कटिबद्धता से देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व आयाम स्थापित किए हैं। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बुनियादी जरूरत है, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की। एक तरफ देश में मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संस्थागत बदलावों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन से देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को गति मिलेगी, उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा और करप्शन की शिकायतें दूर होगी। 2013-14 से पहले देश में कुछ मेडिकल कॉलेज थे और उनकी पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन था। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में बदलने का फैसला हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वालों की उपलब्धता को बढ़ाने, मेडिकल शिक्षा देने के लिए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कराने, स्पेशलिस्ट और टर्शरी देखभाल की सुविधा सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों और अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य को लेकर जो योजना बनाई गई उसके तहत कुल 157 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए, जिनमें से 47 शुरू हो चुके हैं। इस योजना के बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे देश में 854 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। पिछले 7 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 1.5 गुना तक बढ़कर 558 हो गई है। वहीं अंडर ग्रेजुएट की सीटों में पिछले 7 साल में 62% और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में 78% की वृद्धि हुई है। बदलाव की इस लहर का एक बड़ा उदाहरण राजस्थान है। भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, जिनमें से 7 मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर में शुरू हो चुके हैं। धौलपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का शिलान्यास हुआ है और मेडिकल कॉलेज शुरू होने की प्रक्रिया में है। शेष 15 मेडिकल कॉलेज अलवर, बारा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से बांसवाड़ा, दौसा, सिरोही और हनुमानगढ़ में स्थित 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। जल्द ही देश के हर प्रदेश, हर प्रांत और हर हिस्से को मिलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, जो तैयार करेंगे कुशल डॉक्टरों की ऐसी एक बड़ी फौज जो देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती प्रदान करके नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।